अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कल रात को ही रोशनी के अब्बू 2 किलो दाल लेके आए हैं और जो मैं पिछले बार दाल आपको दिखाई थी रहड़ का, वो भी ख़त्म हो गया है। और रहड़ का दाल को हम लोग बहुत ही दिन खाए, ठंडी के दिन में मैं बहुत ज़्यादा ली थी और अभी अभी बरसात के दिनों में ख़त्म हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हिरवा दाल और ये 1 किलो दाल है, और जो दूसरा पॉकेट में है वो उड़दा का दाल है, वो भी 1 किलो है। तो चलिए दोस्तों, अब हिरवा का दाल को भूंज लेते हैं। इसको भूंज के बनाने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट ही आता है। और इसको भूंजने के बाद जो हमारा चक्की है उसी में मैं दाल को दरर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा दाल अच्छे से भुंजा गया है और हिरवा का दाल को इसी तरीके से एकदम लाल भूंजते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो हिरवा दाल मैं भूंजी हूँ उसको मैं थोड़ा सा धूप में सुखा देती हूँ, और जो उड़द का दाल है उसको मैं सबसे पहले दरर लूँगी। तो दोस्तों, हिरवा दाल को धूप में सुखाने से इसका छिलका बहुत ही अच्छी तरीके से छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं धूप में सुखा देती हूँ और जो उड़द का दाल है उसको मैं सबसे पहले दरर लूँगी हमारा चक्की में। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने चक्की के पास को झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि बरसात की वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया है और पानी वगैरह चूह गया है तो कच्चा टाइप में हो गया है। तो चलिए दोस्तों, सारा अच्छे से झाड़ू लगा लेती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यही उड़द का दाल है, काला काला दिखता है और इसका भी दाल बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। और ये अरबी के पत्ते में एंढर सब्जी बनाकर खाते हैं। तो मैं अगले दिन अरबी के पत्ते में सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब दाल को अच्छे से दरर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गांव में दाल को इसी तरीके से चक्की में दरर लेते हैं, और दोस्तों चक्की का दर्रा हुआ दाल बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है, और जो मिल से पिसाया हुआ दाल रहता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं उड़द दाल को अच्छे से दरर चुकी हूँ और जो मैं हिरवा का दाल सुखाई थी वो भी अच्छे से सूख गया है। तो चलिए दोस्तों, अब उसको भी अच्छे से दरर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोनों दाल को अच्छे से दरर चुकी हूँ, और चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से फटिक के इसका भूसा को निकाल लेते हैं। फिर मैं दोनों दाल को अलग अलग डब्बा में रख दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दोनों दाल को अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ और दर्राने के बाद इतना ज़्यादा मेरा दाल हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं डब्बा लेकर आती हूँ, फिर मैं अलग अलग डब्बा में दोनों दाल को भर के रख दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दोनों दाल को अच्छे से डब्बा में भर चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको ले जाके रख देते हैं अंदर, जहाँ मैं डब्बा वगैरह रखती हूँ वहीं पे रख दूंगी, और जब भी मेरे को दाल बनाने का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं जल्दी से यहाँ से निकाल लूँगी। तो दोस्तों, बहुत दिनों से हमारा बाहर वाला किचन का लिपाई भी नहीं हुआ है और बारिश की वजह से पूरा बाहर का किचन गंदा हो गया है। आप देख ही सकते हैं, पूरा किचन में पानी चूह चूह के गंदा हो गया, पूरा उखड़ गया है। दोस्तों, मैं नहाने से पहले सोच रही हूँ कि अपने बाहर वाला किचन का लिपाई कर दूँ। दोस्तों, मैं छूही मट्टी का किनारा वगैरह तो नहीं बना रही हूँ साइड साइड में, क्योंकि बारिश होगा तो फिर से हमारा यहाँ पे चूह के गंदा हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही सिंपल सटा के लीप दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाहर वाला किचन का लिपाई कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपने घर का लिपाई कर चुकी हूँ और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा घर, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और अभी थोड़ा तो अच्छा ही दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मेरा पानी भी चेहरा का नहीं सूख पाया है। तो चलिए दोस्तों, क्रीम वगैरह तेल वगैरह लगा लेते हैं, फिर शाम का भी तैयारी करेंगे। और आगे का जो कपड़ा धो के रखी थी वो भी सूख गया है, तो उसको भी मैं मोड़ के रख दूंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैं नहाने के बाद थोड़ा बहुत कपड़ा था उसको मैं सुखा चुकी हूँ, और मैं क्रीम वगैरह भी नहीं लगाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं क्रीम भी लगा लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मेरा रूम कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, मेरे बच्चे लोग बिखरा के चले गए हैं स्कूल। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मेरा रूम कभी अच्छे
अच्छे से साफ सफाई कर दूं। हर सामान बिखरा पड़ा है उसको मैं अपने अपने जगह में रख दूंगी। तो दोस्तों अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक आध दिन में कर दूंगी मेरा रूम का साफ सफाई। तो ये देखिए दोस्तों, आजकल मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहा है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा तेल यूज करूँ ताकि कि मेरा बाल ना झड़े। और आपने देखा कि मैं एक बार कंघी की और मेरा बाल पूरा कंघी में भर गया और कितना ज़्यादा मेरा बाल झड़ गया। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत तैयार वगैरह हो गई हूँ और थोड़ा बहुत कपड़ा है मैं जो उठा के रखी थी उसको भी मैं अच्छे से समेट लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, उसको भी अच्छे से समेट लेते हैं, फिर शाम का तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज मैं रात के खाने में सरसों का भाजी बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि आग जलाई हूँ तो मैं भाजी को चूल्हा में चढ़ा देती हूँ, और अभी लाइट आया हुआ है तो मैं चावल को हीटर में बना लूँगी। तो मैं पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अपने घर का झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ और मैं भाजी जो बना रही हूँ रात का सब्जी, तो उसको मैं चूल्हा में चढ़ा दी हूँ पकने के लिए, और हीटर में मैं चावल बनने के लिए पानी भी चढ़ा दी हूँ। कहे कि लाइट कट जाता है तो मेरे को दिक्कत होता है, इसलिए मैं आग जला ली हूँ तो मेरे को परेशानी नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों, जो हम लोग धान बुने थे हमारा खेत में, और वो भी 8-10 दिन हो ही गया है तो मैं नहीं गई हूँ देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब देख के आते हैं। थोड़ा तो मेरे को लगता है कि बड़ा बड़ा हो ही गया होगा हम लोग का धान। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं खेत में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा खेत के तरफ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि जब से धान का बुनाई हुआ है तब से हम लोग खेत के साइड नहीं गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि खेत के साइड घूम के आ जाएं और देखेंगे कि हम लोग का धान कितना बड़ा बड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भी दिखाती हूँ हमारा धान कितना बड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा घर के पास खेत है उसका धान भी एक बित्ता साइज बड़ा हो ही गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग का धान भी उग गया है। तो चलिए दोस्तों अब रोड किनारे के धान को देखने के लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का धान भी कितना अच्छा हो गया है और चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा मेरे को लगा खेत साइड घूमने आई हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा खेत कितना अच्छा हरा भरा हो गया है, और मैं भी इधर घूमने आई तो मेरा दिल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि इतना अच्छा हम लोग का खेत पैर सब दिख रहा है। आप देख रहे हैं अभी का मौसम कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा खेत हरा भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी शाम का वक्त भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर, सब्जी वगैरह भी बनाना है मेरे को। देखते हैं मेरा भाजी अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं खेत तरफ से घूम के आते ही मेरा भाजी अच्छे से पक गया है। इधर मेरी सासू अम्मा भाजी को तड़का देने के लिए बैठे हुए थे, और मेरे को देखिए। तो चलिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरा भाजी कितना अच्छा से पक गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको मैं अच्छे से खाली कर लेती हूँ, फिर इसको मैं छौंका दे दूंगी। देखिए दोस्तों, सरसों भाजी में तड़का देने के लिए 2-4 लहसुन ली हूँ और 4-5 लाल मिर्च ली हूँ। तो अच्छे से उसको मैं लाल कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सरसों भाजी को भी अच्छे से डाल के उसको भूंज लेते हैं। दोस्तों सरसों भाजी में मैं 3-4 टमाटर भी काट के डाल दूंगी, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से ढक के भूंज दूंगी। दोस्तों आज मैं सरसों भाजी को माड़ के साथ बनाने वाली हूं, और बहुत ही अच्छा माड़ वाला सरसों भाजी लगता है। दोस्तों रोशनी के अबू माड़ वाला भाजी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं सूखा भाजी अलग निकाल देती हूं। हम लोग के लिए माड़ वाला मैं सरसों भाजी को बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, माड़ को डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा माड़ वाला भाजी बन के रेडी हो चुका है, और चलिए इसको ले जाके रख देते हैं अंदर। और ये माड़ वाला सरसों भाजी बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको रख देते हैं अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।